सज गे मैया दरबार गे अचल चुनरी चढ़ाबे लाल लाल गे सोना लमे लमे केस भुया अड़े लगल छोड़ी लगब ही कहबन से वही कहबन ते कि दिनो दिन बढ़े लगल छोड़ी पातर बेलना जैसन हके पातर पियावा मोर अरोज मारू है रतिया में कर दर्द बड़ी जोर। क्या राजीव यादव फॉर्च्यूनर लेंगे, कब लेंगे? शुभकामना है जो भी दर्शक देख रहे हैं, अपने भाई से जो भी प्यार करते हैं, सब लोग अच्छे से एकदम मजे में घूमिए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार, मैं यादव अभिनंदन और अभी हम मौजूद हैं जमुई में और जमुई में पहुंचे हैं हमारे सिंगर राजीव यादव जो कि मगही और भोजपुरी जो कि भोजपुरी से स्टार्ट किए थे शायद अब गाना, और अभी मगही के बहुत ही अच्छे कलाकार सुपर स्टार राजीव यादव हैं और इनका सबसे पहले गानों से शुरुआत करेंगे तो सबसे ज्यादा गाना बजने वाला है बेलनवा, थोड़ा सा उसको दो लाइन गा करके स्टार्ट कीजिएगा। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं यादव व नंदन न्यूज के माध्यम से सबको तहे दिल से प्रणाम। और गाना ऐसे है, सबसे पहला गाना बजा था सखी पातर बेलना जैसन हके पातर पियावा मोर अरोज मारू है रतिया में कर दर्द बड़ी जोर कबो आबे नहीं बचावे कर दे है रोजे भोर अरोज मारो है रतिया में कर दर्द बड़ी जोर। इसका वायरल लाइन था कि अरे हमर सजनवा फोड़े खजनवा तोड़ा ता पायल चुड़िया है और देवे ओ रहनवा फेंक देता खनवा खाए देनी जब पुड़िया है। अगर माना जाए तो सिंगर राजीव यादव का सबसे ज्यादा बजने वाला सॉन्ग है तो यही बेलनवा सॉन्ग है। इसके बाद एक हाल ही में बहुत ही अच्छा सेट सॉन्ग आता है, दर्दनाक सेट सॉन्ग आता है नेहा गोस्वामी के साथ और उसमें बिल्कुल हो वो पागल का टाइप का आप रोल करते हैं, देखने से लगता है क्या सही में राजीव यादव पागल तो नहीं हो गए हैं, क्या सच्चाई था भैया? बहुत तरह का कॉमेंट आ रहा था बहुत तरह का। देखिए बस गाने के अकॉर्डिंग जो थीम था उसका वो बनाया गया उस गाने को, पर रोल जो हुआ था बहुत ही बेहतरीन रोल उसमें आप किए थे, उससे भी बढ़ के बहुत सारा सैड सॉन्ग आने वाला है हम लोग का और ऑडियो हम लोग का रेडी है, बस वीडियो नवरात्र के बाद से सब सारा शूट होगा। अच्छा, बहुत अच्छा से गाना जो है। क्या कहना चाहिए, कहाँ पहुँचे हैं, किस विषय में आप यहाँ आए हैं, जमुई में आप प्रेजेंट हैं? वही श्री साहेब वैद्य जी जो है यहाँ पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो भी मिलता है यहाँ तो उसके अति से हमको बुलाया गया है, वही दुकान का जो ओपनिंग है तो हम लोग यहाँ पे आए। नए जनरेशन के माने जाते हैं सिंगर राजीव यादव, क्या वो जड़ी बूटी पे विश्वास रखते हैं? ठीक है, अगर उस चीज से अगर लोग इंसान ठीक हो रहे तो क्यों नहीं मानेंगे, लोग मानेंगे ही। हाँ, सबको जब फायदा हो, अगर दवाई जो जो भी है जिस भी चीज का यहाँ से लिया जा रहा है तो उसका जब ये हो रहा है जरूर क्यों नहीं मानेंगे। सिंगर राजीव यादव हैं, भले ही इनका गाना कम आता है लेकिन बवाल आता है, इसलिए कि अभी हाल ही में एक और गाना आया हुआ था बहुत ही बेहतरीन गाना था तेल उल करके ऐसे कुछ था, उस गाने को दो लाइन गाइएगा। और लमे लमे केस भुइया अड़े लगल लमे लमे केस भुइया अड़े लगल छोड़ी लगब ही कहबन ते कि दिनों दिन बढ़े लगल, इस तरह से गाना था वो। इस पे काफी विवाद भी हो रहा था बीच बीच में कि क्या कुछ राजीव यादव गंदा गाना गा रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप लग रहा था? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहाँ से आरोप लगेगा इस गाने में, शुरू में जब तेल का नाम ही है तो फिर कहाँ से आरोप लगेगा। अच्छा, ये अभी नवरात्रि का समय है, नवरात्रि का छठा दिन है आज, क्या कुछ स्पेशल लाया है नवरात्रि सॉन्ग राजीव यादव? मेरा शर्ट सॉन्ग आया है, नवरात्र का शर्ट सॉन्ग आया है मेरा और एक मेला वाला कुछ करके सॉन्ग आया है। चलिए पहले आप शर्ट सॉन्ग सुनाइएगा नवरात्रि का, उसके बाद आप उसके बाद मेला वाला सुना दीजिएगा। वो गाना ऐसे है कि अरे नौ दिन करई बुहावनवा तोहरी भावनवा में अजन से कराई द मिलनवा ए मैया मंदिर में दे देबो परनवा ए मैया। सिंगर राजीव यादव हैं, इनका गला से ही छलकता है कि नहीं रियाली में ये रियाज करके। अच्छा ये बताइएगा, जो आप इतना बेहतरीन आवाज बिना म्यूजिक के बिना स्टूडियो के इंटरव्यू के माध्यम से निकाल लेते हैं, आपका बहुत सारा गाया हुआ गाना इंटरव्यू में वायरल होता है फेसबुक पे, क्या कला है, कितना रियाज किया है? देखिए प्रयास रहता है भैया और हम चाहते हैं, अगर हम बैठे रहते हैं तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ को हम साधना जो जो भी साधना होता है अगर जो भी क्षेत्र में आप हैं तो उसका आप जैसे
इंटरव्यू लेते थे इसके पहले, तो आप जरूर स्ट्रगल तो बहुत सारा हुआ होगा आपके साथ, तो बस वही मेहनत करते रहते हैं बस उसी का जो भी है। क्या संदेश देना चाहिएगा, बहुत सारे सिंगर हैं जो कि राजीव यादव जैसा बनना चाहते हैं, इन आपके जैसा गाना, अपना गाना मार्केट में उतारना चाहते हैं, बजवाना चाहते हैं, क्या मैसेज दीजिएगा नए सिंगरों को? बस हम सभी भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी आइए, अगर गाना गाते हैं तो सीखिए सबसे पहले, और उसके बाद ही गाइए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। बस एक लाइन में आपसे एक सवाल रहेगा, अहम सवाल रहेगा, मगही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फॉर्चूनर का, क्या राजीव यादव फॉर्चूनर लेंगे, कब लेंगे? ये नहीं पता, लेकिन बस मेहनत जारी है। और बाकी फॉर्चूनर क्या, अगर देखिए पब्लिक का जब प्यार है तो बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, वो सोचना नहीं पड़ता है, बोलने से नहीं होता है, कुछ भी करने से होता है वो चीज़। बहुत सारे सिंगर बोल रहे हैं अब हम हवा में उड़ेंगे, क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? इस पे कोई शब्द मिले, ये सब चीज़ पे कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे भोजपुरी में विवाद होता था, मगही में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन आए दिन विवाद के अलावा भी आपका बहुत सारा गाना आया है जो कि मार्केट में बज रहा है, क्या अभी तो बज रहा था कि अगे एक हाथ से छौड़ी नहीं बजो ताली, तोरो रहमान मिलो निहाली हाली, गाना बजा कि नहीं? अपने दर्शकों को थोड़ा सा शुभकामनाएं दीजिएगा, दुर्गा पूजा का माहौल है, पूरा भक्तिमय है, सभी लोग भक्तिमय है। अभी आप जमुई पहुंचे हैं, और होना हो आप गिधौर भी एक बार जरूर घूम लीजिएगा, वहाँ भी बहुत ही नामी मेला लगता है, और इस बार जो है सो पंडाल स्पेशल बनाया गया माँ वैष्णो देवी का, क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिएगा? बस शुभकामना है, जो भी दर्शक देख रहे हैं अपने भाई से, जो भी प्यार करते हैं, सब लोग अच्छे से एकदम मजे में घूमिए और इंजॉय कीजिए मेला को, और सब एकदम सुरक्षित से जाते जाते एक गाना सुनाइएगा मेला वाला, ताकि लोग आज और कल परसों चार दिन सिर्फ मेला ही घूमेंगे। सज गे मैया दरबार गे अचल चुनरी चढ़ाबे लाल लाल गे सोना की है गे सोना घरे से आई हो अकेला नवादा के मेला गे सोना की है गे सोना घरे से आई हो अकेला तू जमुई के मेला गे सोना। दोस्तों हमारे साथ हैं सिंगर राजीव यादव, जो कि चेहरे के मोहताज नहीं है, इनका बहुत सारे गाने बजा हुआ है, और अभी नवरात्रि स्पेशल भी गाना जो आया वो सुनाए हैं, तो वीडियो के माध्यम से क्या कुछ समझते हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पूरा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।